Han pasado, ve. Starting of campus survey. जब भी आप कैंपस सर्वे करते हैं फील्ड में, तो उसके बाद उसको प्लाट करने की ज़रूरत पेश आती है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है पैरेलल मेरिडियन मेथड, पैरेलल मेरिडियन मेथड। दूसरा तरीका है इंटरनल एंगल्स मेथड। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है कि एक्सटर्नल एंगल मेथड, ओके। लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली इन दो मेथड को डिस्कस करते हैं। पैरेलल मेरिडियन मेथड में क्या होता है कि आपके पास लाइनों की बेरिंग गिवन होगी। फॉर एग्जांपल, ये लाइन है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, क्लोज टेवर से ए से स्टार्ट है, ए पे ख़त्म है। अब इसका बेरिंग भी गिवन है, फोर बेरिंग गिवन है, 25 डिग्री, 187 डिग्री, 225 डिग्री एंड 309 डिग्री, फॉर एग्जांपल। तो बेरिंग को पैरेलल मेरिडियन मेथड क्या है? पैरेलल मेरिडियन मेथड में लाइंस को ड्रा की जाती है विद द हेल्प ऑफ बेरिंग, सही है। फॉर एग्जांपल, ये नॉर्थ है, सही है, ये इसका बेरिंग हो गया, तो ये ए भी हो जाएगा। अब दूसरा लाइन ड्रा करना है, तो फॉर एग्जाम्पल दूसरे लाइन का जो बेरिंग है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह तीसरा लाइन ड्रा करना है, फॉर एग्जाम्पल उसका बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो इस तरह आ जाएगा, सही है। और इस तरह चौथा है उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो वो इस तरह आ जाएगा। तो इस लाइन का बेरिंग ये हो गया, इस लाइन का बेरिंग ये, इसी लाइन का बेरिंग ये हो जाएगा, और इस लाइन का बेरिंग ये हो जाएगा। तो बेरिंग की मदद से जब आप लोग लाइन ड्रा करते हैं, इसका आप लोग स्केल होगे फील्ड में, ये फॉर एग्जांपल होगा 200 फीट, तो इसके लिए आप स्केल सेलेक्ट करते हैं। स्केल आपके पास इस तरह आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 फुट, 20 फुट। तो इसी तरीके से जो है आप लोग प्लाटिंग करोगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है इंटरनल एंगल मेथड है। इंटरनल एंगल मेथड में आप लोग जब ड्रा करते हो, तो यहाँ पे देखिए, जब आप लोगों को लाइन का लाइंस और बेरिंग गिवन हो, तो आप उससे इंटरनल एंगल मालूम कर सकते हैं, इंटरनल एंगल जो कि ऑलरेडी डिस्कस हुई है। फॉर एग्जांपल, आप लोग जो है बी एंगल को मालूम करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, एंगल ए बी सी। जो एंगल मालूम करना है वो मिड में आएगा, दरमियान में, या इसको शॉर्टली आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल बी। तो ये एंगल बी बराबर होगा बैक बेरिंग ऑफ बी सी, बैक बेरिंग ऑफ बी सी लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ ए बी, फोर बेरिंग ऑफ ए बी। तो इस तरीके से आप लोग जो है लाइनों के दरमियान इंटरनल एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको बेरिंग गिवन है, तो आप इंटरनल एंगल मालूम कर सकते हैं। अभी आपके पास बेरिंग मौजूद नहीं है,
आपके पास सिर्फ यहाँ पे इंटरनल एंगल है, तो हर एक लाइन का इंटरनल एंगल है, तो इंटरनल एंगल की मदद से आप लोग किस तरह ड्रा करोगे। आपके पास ट्रेवर्स पर कुछ इस तरह आ जाएगा, ए बी सी एंड डी एंगल आपको मालूम है, एंगल ए, ये एंगल आप ड्रा करोगे, ये एंगल को, तो इस एंगल की मदद से आपके पास जो है जो ट्रेवर्स आ जाएगा तो वो कहलाएगा प्लाटिंग ऑफ कंपास सर्वे विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एंगल मेथड। इसी तरह अगर आपको ऊपर एक्सटर्नल एंगल मालूम है, एक्सटर्नल एंगल समेशन ऑफ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल, ये आपके पास 360 डिग्री के बराबर होगा। इंटरनल एंगल क्या होता है? इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री से कम होता है, जबकि एक्सटर्नल एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेस देन और ये वाला मोर देन 180 डिग्री, तो वो एक्सटर्नल एंगल कहलाता है। तो ये ऊपर जो बैरूनी जाविया है एक्सटर्नल एंगल, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो अगर आपको इंटरनल एंगल का पता है तो आप उससे एक्सटर्नल एंगल पर निकाल सकते हो और उसकी मदद से भी आप ट्रेवर्स को ड्रा कर सकते हो, प्लाट कर सकते हो। और ये प्रोसीजर ऑटोकैड में बहुत ही एक्यूरेटली जो है की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।